भाई भिलाई में ऑनलाइन सट्टा के ट्रांजैक्शन के लिए सटोरियो और पैनल संचालकों से 50,000 लेकर लेन देन के लिए दूसरे बैंक के खाते मुहैया कराने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के नाम गुरुशरण और कुणाल सोनी है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने कई लोगों को गुमराह कर दस्तावेज लिए और फर्जी बैंक अकाउंट और उनके नाम का फर्जी सिम कार्ड लेकर इन खातों और सिम को अन्य व्यक्ति को 40,000 से 50,000 रुपए में बेचा था। पुलिस ने जब सभी खातों की जांच की तो करीब 8 से 9 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपराधी प्रियांशु नीले नाम के एक व्यक्ति ने थाना सुबेला में एक अपराध पंजीबद्ध करवाया कि इसके परिचित हैं कुणाल सोनी और गुरुशरण सिंह। ये दो व्यक्ति सुबेला निवासी हैं और इन दोनों ने इसको झांसे में लेकर के इसके साथ इसको अंधेरे में रख करके और इसके डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके केनरा बैंक में और अलग अलग बैंकों में इसके नाम से खाते खुलवाए और उस खाते में अवैध तरीके से ट्रांजेक्शन किया गया है और उसका उपयोग जो है वो गलत तरीके से सट्टा महादेव ऐप में के जो आरोपी हैं उनके द्वारा उसका उपयोग किया गया है। कथित रूप से इसके द्वारा बताया गया, जिस पर थाना सुपेला में 400 अपराध क्रमांक 423/24 धारा 420/34 का कायम कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान जानकारी मिलने पर आरोपी जो है कुणाल सोनी को पकड़ा गया। उससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसने केनरा बैंक भिलाई के संतोष कोसरे जो वहाँ का काम करने वाला कर्मी है उसकी सहायता से उसने बैंक में खाता खुलवाया है और उसका दुरुपयोग किया है। प्रकरण में इन दोनों को गिरफ्तार किया जा करके और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।